बद्दी के अमरावती में बलेनो कार में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की और कॉलोनी वासियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। मंडी में भारी बारिश के कारण पैदावार में हुई है मामूली सी बढ़ोतरी। भारी बारिश से धान की खेती को मिला फायदा। बद्दी के दौरे पर सीपीएस रामकुमार, विकासात्मक कार्यों का किया शुभारंभ। चंडीगढ़ के तर्क पर विस्तृत होगा बद्दी। मंडी में खाई में गिरी जीप, चार की मौत, सात घायल। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। एएसपी सागर चंद्र ने की हादसे की पुष्टि। नान पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, आधुनिक जिम का किया उद्घाटन। कहा केंद्र सरकार खोल रही खेलों को बढ़ावा दे रही। पावटा साहिब का सिरमौर क्षेत्र, सतौन खेल में निरंतर छू रहा नई ऊंचाइयां। छह स्कूली छात्र छात्राओं ने हॉकी में लहराया परचम। खिलाड़ियों को ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। सोलन के कृषि विभाग को बारिश से हुआ है 41 करोड़ रुपए का नुकसान। सरकार ने सहायता राशि के रूप में दिए 23 लाख रुपए। बद्दी में पाकिस्तान नाम की कॉलोनी होने की अफवाह, सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय। शिमला में छोटे बच्चों को बड़ा है एटोपिक एक्जिमा का प्रकोप, आईजेएमसी में केस आने शुरू हुए। हमीरपुर एनआईटी में विद्यार्थियों की संदिग्ध मौत, परिजनों ने उठाए सवाल। कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने साधी चुप्पी। हमीरपुर में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 5 नवंबर तक नादौन में होगी आयोजित। कजाकिस्तान, नेपाल और भूटान सहित देश की 24 टीमें ले रही हैं भाग। सोलन में 531 लोग डेंगू पॉजिटिव, बीबीएन डेंगू के मामलों में बना हॉटस्पॉट। स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं 4807 एलिजा टेस्ट। बिलासपुर में आभा कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। अभी तक बने हैं 1,75,000 आभा कार्ड, शेष कार्ड जल्द बनवा दिए जाएंगे। बिलासपुर के स्वारघाट क्षेत्र में गांव खैरिया में लोगों को रेलवे टनल निर्माण कार्य से हो रही है समस्या। लोगों ने कहा उनकी समस्या को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं। सोलन ग्रुप में पोस्ट ऑफिस किया जा रहा है डी ग्रेड, सिर्फ 3 घंटे के लिए ही खुलेगा ऑफिस। पोस्ट ऑफिस डी ग्रेड करने के निर्णय से नाराज है बुरीवासी। हिमाचल के घोड़े कारोबारियों को बड़ा झटका, कुफरी में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने घोड़ों की संख्या अधिकतम 217 रखने के दिए आदेश। फैसले के बाद घोड़ा कारोबारी परेशान। किन्नौर का नेशनल हाईवे 5-6 दिन से बंद है। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने हालात का जायजा लिया। सेब बागवान भी सड़क पर परेशान है। प्रशासन की ओर से मार्ग को जल्द खुलवाने का काम जारी। सोलन के डोडो मैदान में एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। खेलों से हो सकता है बच्चों को काफी फायदा। शिमला में सांसद सुरेश कश्यप ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव ना करवा पाना सरकार की नाकामी, रुक गए विकास के काम। चंबा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला नैला में 126 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। स्कूल में पढ़ा रहे दो अध्यापक, दोनों अध्यापकों का तबादला कर दिया गया। हमीरपुर के प्राथमिक स्कूल के रसोई घर में अचानक से आग लग गई। रसोई घर में रखा स्कूल का राशन जलकर राख हुआ। स्कूली छात्र सभी सुरक्षित। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को कंट्रोल किया। पावटा के न्यायिक कोर्ट के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश। रैली में विधायक सुखराम चौधरी भी शामिल, स्थानीय विधायक समेत पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे। हिमाचल का सेब खत्म होने के कगार पर पहुंचा। मार्ग अवरुद्ध होने के चलते सेब नहीं पहुंच पा रहा है मंडी। बागवान और व्यापारी परेशान। 11 दिनों के अथक प्रयासों के बाद पोलैंड निवासी आंद्रे कुलावेग का शव धर्मशाला पहुंचा। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा।